ये इंडिया और इसराइल के एजेंट थे। इंडिया जो काम पाकिस्तान में 65 और 70 में नहीं कर सका था, ये उनके आलाकार थे जिन्होंने कोर कमांडर के घर को जलाया, जीएचक्यू के ऊपर पहुंच गए और जंगों में उन्हें इस्तेमाल होने वाले किरदार अदा करने वाले उन पाकिस्तान के हीरोज और अजीज भट्टी शहीद, उसकी बच्ची आंसू बहाती हुई नज़र आई, उसकी तस्वीर के टुकड़े किए गए, जलाया गया। वो शब्बीर खान मर्दान से ताल्लुक रखने वाला जिसकी अजमत और बहादुरी के चर्चे इंडिया के फ़ौज के जवान भी करते हैं, उसके मुजस्मे को तोड़ा गया। इन तमाम मुल्क दुश्मनों से लातअल्लुकी का इजहार, नफ़रत का इजहार और उनके उस दिन की होने वाली कार्रवाइयों के मजम्मत करने के लिए आज की हमारी रैलियाँ थीं और अफवाज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत का इजहार था। अफवाज पाकिस्तान है तो पाकिस्तान है, इसलिए उनको बचाना ज़रूरी है। आपके सामने है, देखें जो जमातें जिनका लिबादा ओढ़ करके वो नौजवान आए हुए थे, उन्होंने पीटीआई का लिबादा ओढ़ा हुआ था। इमरान खान को चाहिए, अगर उनके लोग नहीं हैं तो फिर उसे खुल करके उसका इजहार करना चाहिए, लातअल्लुकी का इजहार करना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा वादतुल मुस्लिमीन जो पीटीआई की इत्तेहादी जमात है, उसका सरबराह राजा नासर अब्बास, उसका वीडियो बयान मौजूद है। वो कह रहा है कि खूनी इनकलाब लाना है, वो कहते हैं खूनी जंग होगी, तो इमरान खान का सहारा ले करके जो खूनी इनकलाब लाना चाहता है उसको भी कटहरे में लाया जाए, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। हमारी मजहबी जमातें होती हैं, अगर कासिम करार दिया जाए, यकीनन यकीनन मैं अफसोस के साथ ये बात कहना चाहूँगा, हमेशा पाबंदी मजहबी जमातों के लिए है, मजहबी जमातों के लिए है, फोर्थ शेड्यूल का काला कानून है वो मजहबी जमातों के लिए है। किस बात का इंतज़ार हो रहा है, इनको कालादम क्यों नहीं करार दिया जा रहा और इनके लोगों को फोर्थ शेड्यूल में दाखिल क्यों नहीं किया जा रहा, जिन्होंने मुल्क के तमाम हसास इदारों पे हमला करके दुश्मन को खुश किया है। हम इंतज़ार में हैं कब वो वक़्त आएगा कि इनको अदालत के कटहरों में लाया जाए। मजहबी जमातों को इस टाइम पे इत्तेहाद नहीं करना चाहिए, यकीनन इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखूंगा आने वाला वक़्त जो है वो मजहबी जमातों की ही का होगा। सियासी जमातों का रोल पाकिस्तानी अवाम करेंगे, मजहबी जमातों का एक इत्तेहाद बने, ब्लाक बने, इंशाल्लाह आने वाले वक़्त में हम तीसरी कुव्वत बन करके आएँ।